सो व्हाट इज अ ब्रोस्कीज, आई होप यू आर वाइबिंग वेल, डूइंग वेल। तो आज अपना एक रिव्यू बेस्ड वीडियो होने वाला है, विच इज रिव्यू ऑफ नेक प्रो परफॉर्म। आज अपन नेक प्रो परफॉर्म का रिव्यू वीडियो करने वाले हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं फ्लेवर के बारे में। ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर कर रहा है, चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर करा और इसके मैंने सारे जनरली सारे फ्लेवर ट्राई कर रखे, मतलब सात आते सातों के सातों ट्राई कर रखे। कुकी एंड क्रीम, चॉकलेट फज, चॉकलेट क्रीम था, हाँ चॉकलेट क्रीम, चॉकलेट और उसके बाद बनाना बेकार है और चॉकलेट भी था और कौन सा स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारे यार, वैनिला भी ठीक ठाक है, बट हाँ एक इसका स्ट्रॉबेरी, भाई सही में स्ट्रॉबेरी शेक लगता है। और एक चॉकलेट भी ठीक ठाक है और एक कुकी एंड क्रीम भी ठीक ठाक है और ये भी चॉकलेट है तो ये भी काम चलाऊ चाहिए। बट बनाना कभी मत ऑर्डर करना, वो मीठा कड़वा जहर है, ठीक है। तो ये होगा इसके फ्लेवर के ऊपर। मेन पॉइंट पर आता है इसका सर्विंग साइज एक्यूरेसी, जैसे कि देख ही सकते हो कि कितना सर्विंग साइज एक्यूरेसी आया था जब मैंने इसको वे करा था। ये बात करते हैं इसके मिक्सिबिलिटी के बारे में, मतलब मैंने इसके सारे, जैसे आपको बताया कि सारे फ्लेवर ट्राई कर चुका हूँ, मिक्सिबिलिटी का कोई भी इशू नहीं आया इसमें, मतलब कोई भी इशू नहीं है इसमें। मिक्स बात करते हैं इसके प्रोटीन कंटेंट के बारे में, जैसे कि तुम लोगों को मैंने पहले एक रिव्यू एक्सेलरेट की रिव्यू वीडियो में बता दिया था कि मैं मेरा प्रोटीन बाइंग डिसीजन सिर्फ दो फैक्टर पे लेता हूँ, मतलब दो लोगों को देख के लेता हूँ। एक तो एक ऑल अबाउट न्यूट्रिशन है और एक सेवन साइन न्यूट्रिशन है। मैं उनकी दो वीडियो को, उनकी वीडियोस को देख के एक बाइंग डिसीजन लेता हूँ। तो उनकी लैब रिपोर्ट में अराउंड 60 ग्राम प्रोटीन आया था अराउंड 100 ग्राम में और इस पे क्लेम करते 23 ग्राम पर सर्विंग और जनरली 20 ग्राम आ रहा था, प्रॉमिस कर रहे थे 23 पर आ 20 रहा था। और अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में बात मत करो क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो बता रहा था अमीनो एसिड प्रोफाइल का टेस्ट बहुत महंगा होता है, इवन इन सिक्स फिगर होता है। तो ऐसा प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड स्पाइकिंग भी हो जाती है कभी कभी सस्ते प्रोटीन्स में, मैं ये नहीं जानता कि इसमें हुई है कि नहीं, बट क्या पता। तो उसकी फिफ्थ पॉइंट अपना यहाँ पे आता है प्राइसिंग को लेके, और ये मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है कि मैं इस प्रोटीन की तरफ जाऊँगा या नहीं, ये प्राइस ही डिसाइड करती है। क्योंकि मेरा जैसे स्टूडेंट एक छोटे बजट में रहता है तो वो इतना ज़्यादा महंगा प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल 2500 का। तो ये मैं पता है कब से यूज़ कर रहा हूँ, ये 800 या 850 का रॉ प्रोटीन आता था और 950 या 900 का फ्लेवर्ड आता था, मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसके सारे फ्लेवर यूज़ कर चुका हूँ, बनाना बकवास था और अभी 1350 रुपये का आता है और फ्लेवर्ड 1350 का आता है और अनफ्लेवर्ड 1300 या 1250 का आता है, ठीक है। तो बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो ये 45 रुपीस पर सर्विंग पड़ रही है और रिजल्ट्स की भी बात करें ना तो रिजल्ट भी ओके, मतलब हाँ मैंने देखा इसका रिजल्ट। मेरी डाइट बेशक ख़राब रहती है बट मैं ये लेता हूँ ना तो मेरा 20 ग्राम प्रोटीन ऐड हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को और थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स, मतलब इट मीन्स अ लॉट मैन।